सब्सक्राइब करें मंजीत एकेडमी चैनल को, प्रेस करें बेल आइकॉन को। आपका मंजीत एकेडमी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। फ्रेंड, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो अब शुरुआत करते हैं। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर आएगा ए, पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो इसका आंसर आएगा ए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा सी, रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो इसका आंसर आएगा बी, श्री धर्मवीर, हरियाणा के पहले राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वतश्रेणियां स्थित है? इसका आंसर आएगा बी, उत्तर पूर्वी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो इसका आंसर आएगा सी, 6 प्रशासनिक मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? तो इसका आंसर आएगा ए, फरीदाबाद और हिसार जिले में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ए, चूना रोहतक जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुत्सी खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है? तो इसका आंसर आएगा बी, दौड़ से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? इसका आंसर आएगा बी, संदेश पत्र स्थापित किया था भिवानी से साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर आएगा बी, जींद में है भूतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर आएगा ए, कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्ण संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आएगा सी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अड़सन ने रोहतक के किस राज्य के अधीन किया था? अड़सन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, जींद के अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल के समीप नसीपुर नामक गांव में लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया था? इसका आंसर आएगा ए, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, तीन शक्तियों को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन हरियाणा के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका आंसर आएगा सी, गांधी की आंधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर आएगा डी, ये तीनों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे, पानीपत, भिवानी और रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 में हिसार व रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ किसने करवाया? तो इसका आंसर आएगा डी, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की हिसार और रोहतक राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से सेना को कब हडसन के नेतृत्व में भेजा था? तो इसका आंसर आएगा ए, 24 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में होम रूल लीग के प्रमुख नेता कौन था? तो इसका आंसर आएगा बी,
पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर आएगा ए, हिसार जिले से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 व 1834 ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंग बनाए जाने पर उसका केंद्र था? इसका आंसर आएगा ए, आगरा का केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो इसका आंसर आएगा पंचकुला, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन था? तो इसका आंसर आएगा डी, बालमुकुंद गुप्त, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा किस की किस्म है? तो यह भैंस की किस्म है। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डी, गांव के सम्मानित वर्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो इसका आंसर आएगा सी, नवंबर के आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर आएगा बी, गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर चंदीराम का किस खेल से संबंध है? तो यह कुश्ती से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो इसका आंसर आएगा सी, सरस्वती नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? तो इसका आंसर आएगा ए, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप और नई शक्ति प्रदान की? इसका आंसर आएगा डी, गुरु गोविंद सिंह गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा सी, NH 22 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजपुर जिरका उपमंडल के तीन और कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर आएगा ए, राजस्थान राज्य है इसके तीनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानिया नगर किस जिले में स्थित है? तो रानिया नगर सिरसा जिले में स्थित है, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही रबी की फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छलकंड किस अंग का आभूषण है? तो छलकंड पैरों का आभूषण है, इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं मिलती है? इसका आंसर आएगा डी, रोहतक, क्योंकि रोहतक जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्सव को बासोडा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा डी, सिल्ली सातम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है? तो इसका आंसर आएगा सी, सिरसा जिले में सबसे अधिक सिख जाते हैं। क्वेश्चन, बागोत तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा डी, महेंद्रगढ़ जिले में है बागोत तीर्थ स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटो जलाओ कृषि का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है डी, झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सी, सिरसा जिले में स्थित है डेरा सच्चा सौदा आश्रम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगी नहीं है? तो इसका आंसर है बी, तुलसीदास शर्मा, एक प्रसिद्ध संगी नहीं है। तो फ्रेंड, ये कुछ
मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेके आए थे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।